यहां से बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है, 1.5 साल में बिखर जाएगा महागठबंधन। महागठबंधन में 15 दिनों में ही हो गई है टूट। महागठबंधन की पीसी में हम नहीं था शामिल, बिहार में ठग बंधन बना है। सम्राट चौधरी की तरफ से ये बयान आया है, नीतीश कुमार जैसा ठगने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। 2024 और 2025 में बिहार में कमल ही खिलेगा, बिहार की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है सम्राट चौधरी। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी। सम्राट जी, महागठबंधन एकजुटता दिखाई है बिहार में, कल सब लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें एकजुटता दिखाई है। नहीं, कल ही मैंने ट्वीट करके कहा है कि महागठबंधन में 15 दिनों में ही टूट हो गई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं था, हमको लगा कि दलित प्रेम इन लोगों का घट गया। तो स्थिति बड़ा स्पष्ट है, अभी तो शुरुआत है, देखिएगा 1.5 साल में इनके पास कितने लोग बच रहे थे। दूसरी बात, अब एक नया सवाल आया है कि CBI जो कंसेंट लेती है उसको कहा गया है कि अब एंट्री नहीं किया जाए बिहार में, जिस तरह से जो महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है CBI का। अब नीतीश जी क्या क्या करेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन बिहार के लोकतंत्र में बिहार की जनता पूरा विश्वास रखती है और नीतीश कुमार जी अब ठगबंधन में जाकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि CBI का दुरुपयोग जिस तरह से होता है उस तरह से हो रहा है, इस तरह से भाई और कई विपक्ष के नेता दूसरे राज्यों में भी लगाए? कहाँ दुरुपयोग हुआ, यही तो जानना चाहता हूँ। 1996 में लालू प्रसाद जी को CBI ने जेल में बंद किया, तब उनकी सरकार थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तो यदि उनके पार्टी के लोगों ने उनको जेल भेज दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये थे सम्राट चौधरी, BJP के वरिष्ठ नेता। कैमरामैन दीनानंद ओझा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। मंत्री मदन सहनी का सम्राट चौधरी पर पलटवार, महागठबंधन की एकजुटता से डर गई है BJP। महागठबंधन एकजुट है, हमको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 सितंबर को JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा अब बता रही, जो फैसला होगा उस पर काम करेंगे। उनका बयान है, ये हमारी एकजुटता के डर के कारण बोल रहे हैं, उनको डर लग रहा है और बिहार में माहौल सही है, सबको जीने का और सबको शान से रहने का अधिकार है, वो भी रहें, वो डरने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। एक महागठबंधन परिवार पूरी तरह एकजुट है।